पीएस टू पीएस वन से मोर देन बेटर होने वाला है। भारतीय सिनेमा में बहुत से एक्टर और बहुत से डायरेक्टर और बहुत से प्रोड्यूसर भी, लेकिन अब हर किसी का अलग अलग प्रकार से बंटवारा हो चुका है। किसी को पसंद होती है फिल्में बनाना तो किसी को पसंद होती है कॉमेडी। अब वो फिल्मों में कॉमेडी बनाते हैं या कॉमेडी में फिल्मों बनाते हैं उन्हीं को पता है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने फिल्मों को अपने शौक के हिसाब से डिवाइड कर लिया। किसी को पुरानी कथाओं पर फिल्में बनाना पसंद होता है तो किसी को महाकाव्य पर बनाना पसंद, लेकिन जब की बार जो फिल्म आई उसका कुछ अलग ही डिंडोरा चल रहा है। वैसे तो मूवी का नाम है पीएस टू और पीएस वन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और धमाकेदार मूवी वो रह चुकी है, तो ऐसे में पीएस टू का क्या हाल होने। ट्रेलर्स का रिलीज हो चुका है, ट्रेलर के रिव्यू के बारे में जानेंगे, क्या क्या बदले बदलाव उसमें में देखने को मिलेंगे और क्या क्या नई चीजें देखने को मिल सकती। लाइफ में अपने काम से प्यार किसे नहीं होता, तुम्हें या मुझे, हर कोई अपने काम को आगे लेकर जाना चाहता है और उसी काम के बदलो तो इस दुनिया में पहचान बनाना चाहता है, चाहे वो फिल्म की कैटेगरी की बात हो चाहे कुछ और कैटेगरी की बात। अब ये ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो पीएस टू और जो पीएस वन आना इसमें काफी अंतर देखने को मिल सकता है। तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिसका था फ्रेंड्स को काफी लंबे समय से वेट, वो इंतजार हो चुका है खत्म। एक मूवी चर्चा में बनी हुई थी जिसका नाम था पीएस टू, जिसकी रिलीज डेट तो पहले से लॉक हो चुकी थी, लेकिन उसका ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा। फाइनली कल शाम को उसका ट्रेलर 10 बजे के आसपास रिलीज कर दिया गया और ट्रेलर में वो सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी है जो पीएस टू मूवी में होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत होती उसी चोल वंश के साथ और चोल वंश आ चुका है खतरे में कम्प्लीटली। वहाँ की जो राजाई जो गद्दी है वो फंस चुकी है, अब राजाई गद्दी को कौन छीनेगा, उनके कौन कौन से बेटे लड़के और किन किन को मारना पड़ेगा, कम्प्लीटली इसी को लेकर ये मूवी आगे बढ़ेगी। ट्रेलर भी इसी चीज को लेकर आगे चलता जाता है और अलग अलग एक्टर का इंट्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन इस ट्रेलर में काफी बड़ी अच्छी चीजों को ऐड किया गया है जो कि पीएस वन में कमी खल रही थी। जब पीएस वन का ट्रेलर आया था तो वहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी चर्चा में बनी हुई थी कि जो एक्टर्स है ना उनको अलग अलग रोल दिया गया, उनका जो स्क्रीन प्ले था वो काफी खराब था, हर एक्टर के बाद में दूसरे के एंट्री करा और हर किसी एक्टर के पास 5-5 मिनट का आप सीन दे रहे हो, लेकिन इस ट्रेलर में हमें वो चीज देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो मूवी है वो एक बड़े स्टार कास्ट वाली है, इसमें काफी बड़े बड़े एक्टर आपको देखने को मिलेंगे और जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ट्रेलर में जो चीज हमें देखने को मिली है वो ये देखने को मिलेगी जो ऐश्वर्या राय वो पहले चैप्टर में क्या कर रही थी, उनका जो चेहरा दिखाया जा रहा था, लेकिन दूसरे चैप्टर में उन्हें दिया गया एक नेगेटिव रोल। अब वो भी उन लोगों के साथ मिलकर चोलवंश को हड़पना चाहती है, क्या उसे वो चोलवंश मिल पाएगा, क्या दूसरे राजा की एंट्री हो पाएगी, वो सारी चीजें ये मूवी बताने की कोशिश करेगी। मेरे हिसाब से जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा वो ऐश्वर्या राय होगी, क्योंकि पहले चैप्टर में कम्प्लीटली उनकी जो खूबसूरती थी उसको दिखाया गया था, पहला जो सेशन चल रहा था उसमें तो ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को दिखाया गया था, उसके बाद में दूसरे सेशन में जो त्रिशा थी उनको दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं होने वाला है। बात करें ट्रेलर के उन पॉइंटों की जो काफी अच्छे भी और काफी खराब भी है, तो पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये कि जो ट्रेलर की लेंथ है ना वो काफी लंबी है, आपने सारी चीजों को एक्सप्लोर कर दिया, लोगों को बता दिया कि हमारी मूवी में ये होने वाला है, आपने कुछ सस्पेंस नहीं छोड़ा है। ट्रेलर देखने के बाद में हर कोई अंदाजा लगा चुका है कि जो चोलवंश है वो कम्प्लीटली खतरे में आ चुका है, उससे बचाने के लिए जिसकी एंट्री होगी वो ये मूवी बताने की कोशिश कर रही है। तो बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट में ये नजर आ रहा है कि जो मूवी का जो स्क्रीन प्ले होगा वो लाजवाब होगा, क्योंकि पहले चैप्टर में कम्प्लीटली स्क्रीन प्ले बकवास था और वो चीज उस मूवी को नीचे लेकर जा रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है।